time. सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे और मैं भी यहाँ पे यहाँ पे हम सभी लोग अच्छे से हैं। और जी, ये है आज ट्यूसडे का रूटीन, जो कि बड़े मंगल चल रहे हैं आजकल। तो ये मॉर्निंग से मैंने आज आपको शाम तक का रूटीन दिखा रही हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10 से थोड़ा 5-10 मिनट पहले का है। और वाणी गई है अपना ट्यूशन और काम वाली भी जस्ट अभी गई है, आपने देखा होगा गेट पर। और ये आ चुकी है अब ट्यूशन से। जी, तो भंडारे का खाना घर पे आ चुका है और अब वाणी कर रही है ओपन, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। जी, तो यहाँ पे बूंदी दिख रही है, पूड़ी है, कड़ी कड़ी लगती है ना। वाव, और यहाँ पे है छोले और आलू भी इसी में मिक्स हैं। आप ना आलू जी सब्जी सीन पे है? तुम फ्रिज इतनी देर क्यों खोली हुई हो? वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज चौथा मंगलवार है, मतलब बड़ा मंगल, और 3 मंगल जो बीत चुके हैं उसमें हम लोग को भंडारा नसीब नहीं हुआ। आज हुआ है, जो कि घर तक आया हुआ है, क्योंकि नियर बाई था, पहचान के थे, तो उन्होंने घर तक भेज दिया है। तो आज मज़े लेते हैं भंडारे का। और आप लोग ने भी कहीं ना कहीं खाया होगा, आज का तो हर जगह पर भंडारे लग रहे हैं बड़े मंगल का, तो एंजॉय आप लोग ने भी किया होगा। लेकिन मैं आज कर रही हूँ, मैं क्या, मेरी फैमिली आज खाएगी भंडारे का। मुझे भंडारे का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कद्दू की सब्ज़ी तो नहीं थी, जो कि हम लोग वेट करते हैं भंडारे वाले कद्दू का। खैर कोई नहीं, छोला आया है और आलू भी था। खैर कोई नहीं, छोला बहुत ज़्यादा यम है और पूड़ी है साथ में, तो अब उसका खा के हम लोग लुफ्ट उठाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। ये है नानी वाला अचार मैंगो का, छोटा बचा ही नहीं है, एक ही खा लो फिर बड़ा वाला ही। लैपटॉप को हाँ, कितना टाइम से आज यूज़ कर रही है? 12 o'clock से क्या टाइम हो रहा है? 3:30 हो रहा है। 3:30 तक तुम बैठी हुई हो, लैपटॉप यूज़ कर रही हो? हाँ, बीच में स्टॉप की थी, अब मैं सोऊंगी। क्यों सोगी? थोड़ा सा रेस्ट लो आँखों को, फिर पढ़ाई पे लगना है। पहले खेलने जाए। हाँ, खेलने जाओगी। ये देखिए फिर से मेहंदी, इसकी एक मेहंदी छूटी है, दूसरी मेहंदी स्टार्ट हो जाती है। मोर मैं जाऊंगी, फिर पीऊंगी पानी।
फिर घंटा देखती हूँ अगर सारी वॉल गंदी कर रखी है ये देखो सारी वॉल, जैसे घर को पता ही नहीं है कि वाणी कुकरेजा का घर है, सारे वॉल से देखिए भाई वाणी कुकरेजा वाणी इसलिए घर में अभी तक पेंट नहीं कराया, जितना जितना गोचा गाची करनी है कर लो, जब पेंट हो जाएगा ना कुछ भी करने को नहीं मिल पाएगा। मैं जा रही हूँ पानी, गर्ल आपको से मैं जंक फूड खाते हुए दिखी होंगी, मैं फ्रूट्स भी खाती हूँ, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक वेदर के हिसाब से हमारी बॉडी को उस टाइप का फ्रूट मिलना चाहिए, हमारे लिए बहुत एनर्जी, मतलब फ्रूट्स हमारे हमको बहुत एनर्जी देते हैं, तो हमें हर फ्रूट्स खाना चाहिए। अच्छा, बस यही रीज़न होता है, हर वेदर के अलग अलग क्यों? ये गॉड ने बनाया है, हर वेदर में अलग अलग फ्रूट्स होते हैं। हाँ जैसे लीजिए, अब थोड़े टाइम्स की है तो अभी कुछ जून 10 या 20 तक चले जाएंगे। अच्छा हाँ, तो लाइक फिर आएंगे जामुन जामुन। अच्छा फिर जामुन तो आ गए ना? हाँ हाँ, अच्छे वाले मतलब बारिश के मौसम में आएंगे। आ गए जामुन, अब गुआवा भी आएगा शायद, टेस्टी। तो फिर ये चली जाएगी लीचीज, फिर क्या खाओगे? यू लाइक लीचीज और नॉट? आई लाइक लीचीज सो मच, मैं घर में 2-3 बार आ चुकी है सारी। ओनली 2-3 बार? नहीं, जब से स्टार्ट हुए तब से लीची आती ही रही है वाणी। हाँ, 5-6 बार आ चुकी है। हाँ तो सारी मैं ही खाने का। ठीक है कोई नहीं, हम लोग अपने टाइम पे बहुत खाए थे लीची, इज माय फेवरेट प्रोटीन सोर्स। अच्छा, वही शॉप फ्रूट के शॉप में लीची दिखी थी पापा, लीची आ जाती है, आई लव लीची सो मच। जामुन भी, अभी जामुन आया नहीं है घर पे, वैसे आ गया है मार्केट में, शायद आ गया है, इसी टाइम तो आते हैं। जी तो हो चुकी थी शाम और वाणी चली गई थी खेलने के लिए, और शाम में अब हम लोग चाय तो पीते नहीं हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, 43 टेम्परेचर है यहाँ पे, और तो सोचा कि चलिए लस्सी पी जाती है, तो यहाँ पे बस बना दी ठंडी ठंडी, बहुत ज़्यादा चिल्ड और बर्फ बहुत ज़्यादा डाली, और यहाँ पे बन गई थी हम लोगों की लस्सी, तो लस्सी पी के हमने लुत्फ़ उठाया, और वाणी के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया कि वो जब आ जाएगी ट्यूशन से तो फिर वो अपना पी लेगी। हो गया शाम का टाइम, लगभग हो रहा होगा 7:30, तो अब हम लोग को जाना है मंदिर, तो बस हम लोग रेडी हो रहे हैं मंदिर के लिए। हम लोग जा रहे हैं, सॉरी मंदिर जा रहे हैं हम लोग, तो अब हम लोग आपको मंदिर में जाके पहुँचते हैं, तो अब मैं हम आपको दिखाएंगे कि वो कितना रिलैक्सिंग और ठंडा तो नहीं होता बट अच्छा लगा, एकदम सुकून मिलता है, शांति मिलती है। वो कहाँ है? वो है यही हमारे एरिया में। चलिए तो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप पापा भरवाएंगे पेट्रोल भरवाने के बाद हम लोग जाएंगे मिठाई, मतलब जो भोग चढ़ता है वो लेने, उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। अच्छा, पेट्रोल की स्मेल कैसे लगती है? बहुत गंदी वाहियात लेकिन तुम्हारे नीतू मासी को ना पेट्रोल क्यों इंसाफ चाहिए लेकिन इंसाफ चाहिए, क्यों इतनी गंदी स्मेल? नीतू मासी छोटी थी तब तो उसको पसंद था, अब पसंद है उसको कि नहीं, वो पूछा क्यों इतनी गंदी स्मेल अच्छी लगती है।
अब हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, और ये है मंदिर का फ्रंट। एक्चुअली दो फ्रंट है, एक पे डायरेक्ट जाएंगे तो हनुमान जी का मूर्ति है, अदरवाइज आप ये बैक साइड का है, बैक साइड का है फ्रंट में ही, लेकिन यहाँ से गार्डन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोगों ने यहीं से एंटर किया है। तो जी ये रहा मंदिर के साइड का पोर्शन, जहाँ पे मैंने बताया था ना आपको कि ये गार्डन एरिया है। गार्डन एरिया भी समझ सकते हैं यहाँ पे, और भी मंदिर से अभी जैसे आपको दिखाया कि शिवलिंग वाला भी था और राम सीता जी का भी है, और यहाँ पे सारे हवन भी होते हैं। पीछे का ये देख रहे ना, ये जो यहाँ पे वाणी खड़ी है, यहाँ पे सारे हवन वगैरह भी होते हैं। पर जब आप जाएंगे ना, एंटर करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि हाँ एक सुकून वाली जगह पे पहुंच गए हैं, और बहुत बड़ा सा है, थोड़ा सा एरिया जैसे आपको लगेगा कि हम गांव में पहुंच गए हैं। वैसे ही मिट्टी, और ये देखिए गोबर के जो उपले बनते हैं वो सारे पड़े हुए थे, तो वहाँ का बिल्कुल ही चेंज लग रहा था, कि लग रहा था थोड़ी देर बैठ जाओ। हम लोग थोड़ी देर बैठे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, थोड़ा लग रहा था कि हाँ घर से बाहर निकले हैं, थोड़ी दूर जगह पर आ गए हैं। और ये सारा पीछे का पोर्शन है, जहाँ पे ये जो पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग, अपना खाना वाना बनाते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और वाणी को भी एक मिट्टी मिल गई यहाँ पे खेलने के लिए, जैसे हम लोग बचपन में खेला करते थे ना, बर्फ़ी बर्फ़ी जैसे बना के डंडी से खींच के, और बस ये भी इसको तो वैसा माहौल मिला ही नहीं जैसे हम लोग खेला करते थे, पर बच्चे अपने टाइम पे कुछ ना कुछ एंजॉय कर ही लेते हैं, कुछ भी अपनी एक्टिविटी करके। तो बस वो अपना सर्कल बना रही थी, कुछ भी मतलब मज़े ले रही थी, अपना फुल्ली अपना एंजॉय कर रही थी। जी तो मंदिर से लौटने के बाद हम लोग स्टॉप हो गए थे, लेनी थी सब्जियां, घर पे ख़त्म हो चुकी थी, तो यहाँ पे सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही थी देखने में, तो और लालच आता है कि ये भी सब्ज़ी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखती, गर्मी का टाइम है, कम लेती हूँ, ख़त्म हो जाए, मंडी दूर नहीं है, कभी भी आके ले सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ले लिया है बैंगन, बैंगन एक ही लिया गोल वाला, और 1 किलो यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने खीरे, और साथ में ले ली थी ग्वारफली, और बस एक पाव ये दो ग्वार 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 पकड़ लो चेरी बाबू ग्वार में अभी एक सब्जी का नाम मम्मी ये पुदीना होगा ना पुदीना वाला खत्म हो गया धनिया दे देना भैया थोड़ा जगरी बाजार में जी रहा हूँ डाल मिंट नहीं है ना इसके पास ये फ्री है भैया तो जी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दुनिया बिल्कुल थम सी गई है, रोड पे कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था हमारे चीफ मिनिस्टर का, वो आ रहे थे बाहर से, तो इसलिए सारे रोड को कर दिया बंद, इन्होंने आना जाना बंद कर दिया कि पहले वो लोग निकल जाएं तब आप लोग जा सकते हैं। तो हम लोग सब्जी मंडी के बाहर ही खड़े रहे कि मूवमेंट हो जाए तो हम लोग घर के लिए निकले। मूवमेंट हो चुका, चहल पहल स्टार्ट हो गई, तो
तो बस अब हम लोग वहाँ से निकले और पहुँच गए अपने कॉलोनी की तरफ। और वहाँ पे हम लोग थोड़ा रुक गए सुपरमार्केट में, क्योंकि हम लोग को कुछ सामान था जैसे सर्फ वगैरह ख़त्म थी और दाल वगैरह ख़त्म थी, तो वो लेने के लिए हम लोग पहुँच गए। और नील रॉबिन ब्लू चाहिए था मुझे, वो है तो रखा तो है, ये ब्लू ही है ना, है तो कभी कोई यूज कर कुछ और है, ये कुछ और है, ये बताएं, ये वाइट में कुछ उतारने का है, प्री वॉश स्टेन रिमूवर है। फिर क्या उजाला लें क्या? वो ज़्यादा पसंद नहीं है हमको, उजाला नहीं अच्छा। कुछ लेना है क्या? नटेला अभी ना बैठो। तो जी यहाँ से नूडल्स लिया, सर्फ लिया और दाल ले ली मूंग की, खड़े मूंग की दाल, और रॉबिन ब्लू लेना था नील जो कि नहीं था, उजाला था और वो मुझे पसंद नहीं है, तो फिलहाल सिर्फ लिया इतना ही आइटम। और यहाँ पे ये सेलो टेप भी घर पे ख़त्म हो चुका था तो वो भी मैंने ले लिया है जी। तो फिर हम लोग निकल चुके घर के लिए, घर पहुँच गए और रास्ते में बहुत कसके प्यास लगी हुई थी जो कि आते ही हम लोगों ने उठाया पानी। जो जबरदस्त वाली प्यास लगी थी आइसक्रीम खा के आई, तब भी इतना ज्यादा प्यास लग रहा था खाने, और मैंने खुल कर खाने। तो आई होप यू लाइक दिस आर वीडियो। If you like this our video, so please like, share, subscribe, comment to our channel. If you are new, so please see our previous video and like and subscribe also. Bye.